हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय वीडियो। वैसे तो मैं इसको नहीं बोलूंगा कि मैं इसको इंस्टाग्राम पे डालने वाला हूँ कि यूट्यूब पे डालने वाला हूँ, क्योंकि ये वीडियो थोड़ी लंबी बनने वाली है। अब इसका एक कारण है, क्योंकि मुझको पूरा बताना है कि फेसबुक का फिशिंग पेज बनता कैसे है, आप लोग उसको पहचानेंगे कैसे और आप अपनी सिक्योरिटी कैसे रखेंगे। अभी 2 दिन पहले मेरे को एक लड़की का आया था, मतलब आयुषी करके था, इंस्टाग्राम पे मैसेज था मेरे गेमिंग अकाउंट पे, और उस पर उसने लिखा था एक मैसेज, ज्वाइन फ्री फायर गर्ल ग्रुप। और जब मैंने सिर्फ लिंक देखा था तो उसका, और आया था ngrock.io। अब आप लोग को तो नहीं पता होगा कि ngrock क्या है और फेसबुक अकाउंट कैसे हैक होते हैं, तो मैं आप ही लोग के लिए ये वीडियो लाया हूँ। तो फिर ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा अगर आपको अपना फेसबुक अकाउंट इन फ्यूचर भी अगर सिक्योर रखना है इस टाइप के अटैक से। तो फिर जब मैंने वो लिंक देखा, मेरा दिमाग वैसे ही घूम गया था और मैं कुछ ज़्यादा ही गुस्से में आ गया था। तो मैं हाल स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं उसको इंस्टाग्राम पे तुरंत डाला था और पोल पे सबसे पूछा था कि इस पे वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं बनानी चाहिए। बहुत लोगों ने कहा कि हाँ वीडियो बनाओ। और ये एक दोस्त के साथ मेरे हो चुका है, यशकांत भाई है, उनके साथ हो चुका है ये कांड। तो फिर मैं नहीं चाहता कि और कोई भी अपना अकाउंट इस तरीके से खोए। तो फिर ये वैसे गेम प्ले बहुत पुराना है, ये मैं अभी ऐसे ही डाल दिया हूँ सामने, क्योंकि थोड़ा बहुत तो चाहिए होता है ना पहले बोलने के लिए कुछ। तो फिर चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो यहाँ पे जो सबसे पहले बात आती है हमारी, ये क्या होता है, मतलब ये किस तरीके से हैक करते हैं। तो एक सिंपल सी चीज़ है फिशिंग अटैक, वैसे सिंपल है नहीं, जिसके पास दिमाग है उसके लिए है सिंपल, और जो अभी नया है तो उसको तो टाइम लगेगा 1-2 दिन का या फिर 1-2 हफ्ते का। तो फिर ये फिशिंग अटैक होता है। फिशिंग अटैक में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, और जो स्कैमर होता है, हैकर होता है, वो आपका मास्टर कार्ड नंबर या फिर आपका कोई पर्सनल चीज़, जैसे कोई अकाउंट हो गया जो उसको चाहिए होता है अपने हिसाब के लिए, तो वो आपसे लेने के लिए किसी भी ट्रस्टेड वेबसाइट या फिर किसी भी चीज़ का वो फेक या फिर क्लोन बना के आपके पास भेजता है, ताकि वो आपसे वो डेटा ले सके। अब ये बुकिश लैंग्वेज है, मैं इसको उतना पढ़ के नहीं समझ आने वाला, आप चाहे तो ये देख लो व्हाट इज़ फिशिंग करके, मेरे पास ये पूरा PPT बना हुआ है, और ये आप डायग्राम से देखो, चाहे जितना समझना है समझ लो, मैं किताबी कीड़ा नहीं हूँ तो मैं सीधे समझाने वाला हूँ होता क्या है। ये जैसे आप सिंपल देख रहे हो फेसबुक का पेज है, मैं अभी जितनी भी फाइलें पहले बना चुका हूँ मैं उन सभी को उड़ा रहा हूँ ताकि मैं आपको फिर से बता सकूँ। अब ये देखिए फिर से फेसबुक का है, मैं फेसबुक पेज खोला, इसको मुझको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको मैं सिर्फ सेव करूँगा, इस पेज को लेफ्ट क्लिक करके मैं सेव करने वाला हूँ। और ये फेसबुक पेज आप नॉर्मली आपको सर्च ही करना आता है डेस्कटॉप वर्जन पे, तो क्यों फालतू का टाइम वेस्ट करना। ये आप पेज सेव कर लीजिए, सिर्फ वेब पेज सेव करना है, उसके साथ की फाइलें आपको सेव नहीं करनी है। तो फिर मैं डेस्कटॉप पे एक फोल्डर है उसमें सेव कर लेता हूँ facebook.htm, क्योंकि ये सिर्फ फेसबुक पेज करेगा सेव और उसके सिवाय फोटो वोटो कुछ भी सेव नहीं करने वाला। तो फिर मैं इसको तुरंत सेव कर लेता हूँ। और दूसरी चीज़ जो है वो हमारी है PHP कोड। ये देखिए फेसबुक की फाइल हमारी आ गई है, ये है PHP कोड। PHP कोड मैं नहीं दिखाऊंगा क्योंकि वही मेन चीज़ होता है। बस यहाँ पर मैंने एक एक्स्ट्रा चीज़ करी है कि मैंने facebook.txt का एक फाइल बना दिया है, क्योंकि मेरा उसमें जा कर के पासवर्ड सेव होगा। अब जो facebook.htm की हम लोग ने फाइल की थी उसको मैं ओपन कर रहा हूँ सबलाइम टेक्स्ट से, या अगर आपके पास नोटपैड हो, वर्ड डॉक्यूमेंट हो, तो आप वहाँ से उसको ओपन कर लीजिए। अब ओपन होने के बाद आपको करना क्या है, कंट्रोल F दबाना है, आपको फाइंड करना है एक्शन इज इक्वल टू। अब आप सीधे प्रेस करिए कंट्रोल F अपने कीबोर्ड पे और एक्शन इज इक्वल टू सर्च करिए। एक्शन इज इक्वल टू सर्च करती है, एक आपके पास लिंक आएगा, जो लिंक होता है ओरिजिनल फेसबुक लॉगिन का। ये फेसबुक पेज के पीछे का कांड है, आप लोग नहीं समझो तो अच्छा है। ये रहा लॉगिन प्राइवेसी म्यूटेशन टोकन, तो ये पूरा यहाँ आखिरी तक है मेथड पोस्ट के पीछे ब्रेसेस के अंदर, अरे यार कॉमा के अंदर। तो फिर ये होता है फेसबुक का ओरिजिनल लॉगिन फॉर्म, यहाँ जब भी आप लॉगिन पे क्लिक करते हो वो यहाँ पे रिडायरेक्ट होता है। तो यहाँ पे मैं अपने PHP फाइल लिख रहा हूँ, देखिए facebook.php मेरी वो PHP फाइल थी, तो मैंने वही PHP फाइल यहाँ पे चिपकाई है, और मुझको बस इसको सेव कर देना है, और सेव करने के बाद मुझको यहाँ से गेट आउट हो जाना है। तो यहाँ के बाद हम लोग को करना है एक सर्वर अपने लिए डाउनलोड। अब आप XAMPP सर्वर डाउनलोड करिए चाहे WAMP सर्वर डाउनलोड करिए, ये गूगल पे अवेलेबल रहता है। ये आपका क्या करता है, जो आपका लोकल मशीन रहता है उसको वो ओवर इंटरनेट पे एक सर्वर बना देता है, बहुत छोटा सा सर्वर, वरना अगर आप कोई IP एड्रेस खरीदने जाएंगे तो वो आपको बहुत ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा। इसलिए ये एक छोटी सी तरकीब जो है वो
छोटे मोटे स्कैमर्स अपना यूज़ करते हैं क्योंकि ये ट्रिक उनको काम आ जाती है अपना एक लोकल सर्वर होस्ट करने में। लेकिन मैं आपको इससे नहीं बताऊंगा, मैं आपको बताऊंगा ngrob.co से, जो कि एक सिंपलेस्ट थिंग है और वहां से आपका एकदम सिक्योर रहेगा। मैं लाइव एग्जांपल भी दूंगा कि उससे कितने आईडी पासवर्ड आ सकते हैं। तो फिर यहाँ पे देखिए, आपको ऊपर दिख रहा है कि ये जो अपना ताले का सिंबल है वहाँ पे कुछ कट करके आ रहा है, वो जनरली आपका HTTP और HTTPS के बीच में रहता है। ये HTTP प्रोटोकॉल है और ये अभी सिक्योर नहीं है क्योंकि ये मेरे लोकल सर्वर पे है और कई लोग ऐसे वेबसाइट को ट्रस्ट नहीं करते हैं। अब मैं चाहूँ तो इसको भी सिक्योर में ला दूँ, इसके लिए मुझको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक छोटा सा एप्लीकेशन होता है ngrob.io, ये किसी भी आपके मतलब कंप्यूटर में फाइल इनको ये इंटरनेट पे पोस्ट कर देगा और वो आपके लिंक वर्ल्ड वाइड में चलेगी। अगर आप खुद की वेबसाइट चलाना चाहते हैं तो आप इससे अपनी वेबसाइट चला सकते हैं ऑनलाइन, जैसे कि यूट्यूब पे डाल सकते हैं कि आप अगर एफिलिएट मार्केटिंग का बनाना चाहते हैं खुद के सिस्टम पे तो आप इससे कर सकते हैं। इससे आपका जो सर्वर मतलब आपका जो सिस्टम रहेगा वो एक लोकल सर्वर में हो जाएगा और लोकल सर्वर में होने के बाद आपको जो वेब पेज ऑनलाइन चलाना है वो कर लीजिए। तो यहाँ से ngrob आप डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे आपको साइन अप करना पड़ेगा, ये मैं स्किप करता हूँ। तो फिर ngrob हम लोग का डाउनलोड हो जाने के बाद सिंपल कुछ नहीं करना, आपको इसको एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट फाइल कर दीजिए, कहीं पे भी आप कर दीजिए जहां आपको मनपसंद है। मैं यहीं से ओपन कर दे रहा हूँ, छोटा सा एप्लीकेशन है, मैं उसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ ngrob को। और फिर ngrob को इंस्टॉल करने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि क्या करना है। तो फिर जो मेरी फेसबुक की फाइल थी वो मैंने यहाँ पे पेस्ट करेंगी, मतलब पेस्ट कर रखी है कहीं पे, तो मैं आपको दिखाऊंगा कहाँ पे रखी है। तो फिर ये रहा ngrob का हम लोग का zip का सेटअप। यहाँ पे मैंने रीनेम किया इसको ngrob सिर्फ, कंटिन्यू, और फिर मैं इसको एक्सट्रैक्ट कर लूँगा। एक्सट्रैक्ट फाइल्स, और हो गया एक्सट्रैक्ट। अब यहाँ पे सिर्फ मुझको इसको रन करना है। अब ये रन करते ही एक छोटा सा मेरा कमांड प्रमोट में हो जाएगा, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर मुझको करना पड़ेगा। ngrob मेरा बैकग्राउंड में चल रहा है, अब मुझको यहाँ पे थोड़े कमांड लिखने पड़ेंगे। अब वो कमांड आप देख लीजिए, cd जो हो जाएगी वो हम लोग की चेंज डायरेक्टरी हो जाएगी। ये चेंज डायरेक्टरी इसलिए मैं कर रहा हूँ क्योंकि मैं ngrob आईओ को सीधा इसी टर्मिनल से करूँगा। अब मैं सीधे आ गया हूँ लोकल ड्राइव सी में। अब यहाँ पे मुझको क्या करना है, ngrob.exe करके एंटर कर देना है। अब ये मुझको बता रहा है कि आप ngrob को कैसे यूज़ कर सकते हो। वैसे ये मैं पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा, आप लोग साइबर सिक्योरिटी या फिर हैकिंग के स्टूडेंट नहीं हो तो फिर आपको इसमें नहीं देखना चाहिए कि आप फेसबुक का मतलब ये कैसे करो। लेकिन बस एक जनरल इन्फॉर्मेशन है और ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे होता है, और मैं ये लिंक अपने खुद ही एक डिवाइस में शेयर करूँगा और फिर मैं आपको बताऊँगा कि मतलब कैसे पासवर्ड आते हैं, कैसे कोई भी फेसबुक अकाउंट मतलब जो स्कैमर होता है वो आपको एक लिंक भेज के कैसे झांसे में फंसा के आपको हैक करता है। तो फिर ज़्यादा कुछ नहीं करना है, ये जो मेरा है नॉर्मली वेब सर्वर पे, ये मुझको लिंक कॉपी करना है और ये मुझको कॉपी करके सीधा कमांड प्रमोट में जाना है। कमांड प्रमोट में मुझको कमांड टाइप करना होगा और फिर उससे मैं इसको पूरा मतलब कहीं पे भी मैं इसको चला पाऊंगा। तो फिर ये है हम लोग की HTTP फाइल, ये देख लीजिए मैंने यहाँ पे पेस्ट करके रखी है। और फिर ये जो हम लोग का HTML है, HTML फाइल, STM फाइल, यार STM की जो हमारी ये फाइल है फेसबुक से जो हम लोग ने डाउनलोड करके थोड़ी बहुत एडिट की थी, अब इसको हम लोग रीनेम करेंगे index.html, क्योंकि इंडेक्स वो पेज होता है किसी भी वेबसाइट का होम पेज जो होता है वो होता है इंडेक्स, क्योंकि ये रखते ही हैं। अब ये कंप्यूटर का है, जितने भी मेन पेज रहते हैं सब लोग उसको index.html करते हैं। अब यह मैंने पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक छोटी सी लिंक दिखेगी ngrob.io की, अब ये मैं अपने डिवाइस में भेज रहा हूँ तो उसके बाद आप देखिएगा कि ये कितना ज़्यादा मैंने उसको अभी लॉगिन किया है एक दो सेकंड में। और ये देखिए, ये लिंक मैंने खुद भी पेस्ट करी है, तो ये देख लीजिए यहाँ पे है और ये अभी भी इनसिक्योर दिखा रहा है, लेकिन कभी कभी ये सिक्योर आ जाता है, कभी कभी नहीं आता है, इसका कोई रीज़न होगा। और ये रहा ngrob.io आखिरी में, और ये बन गई हमारी फेसबुक की फिशिंग पेज। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने इससे कितनी बार मैं इसको अपने दूसरे डिवाइस में उल्टा सीधा डाल के कुछ भी पासवर्ड में डाल रहा हूँ, और वैसे भी इसके लिए मैं कभी कभी बॉट फिक्स कर देता हूँ एक दो बार। तो फिर ये रहा जितनी बार मैंने कमांड को एग्जीक्यूट किया है, ये दिखा रहा है कि मेरी PHP फाइल
कितनी बार एग्जीक्यूट की गई है और मैं कितनी बार इससे कनेक्शन टाइप करने को बोल रहा हूँ, और ये पूरा का पूरा है कि ये मैं कितनी बार लिख रहा हूँ, अपना आईडी पासवर्ड डाल रहा हूँ। अब वो जो आईडी पासवर्ड है, ये facebook.txt जो फाइल मैंने बनाई थी, अब वो इस फाइल में आकर के सेव हो जा रही है। ये देख लीजिए मैंने कितना फालतू की चीज़ें डाला है। अब जैसे ईमेल आईडी, ईमेल तरु पासवर्ड ये, और ये फिर ईमेल 767 ऐसे कर कुछ भी डाल दो, यहाँ पे आपका पासवर्ड आ जाएगा और ऐसे ही हैकर आपको स्कैम करते हैं। अब ये तो मैंने बता दिया कि फेसबुक आईडी हैक कैसे होती है, अब इसको आप बचाएं कैसे, अगर वो भी अगर आपको जानना है तो आप सेकंड वीडियो के लिए बोलो, मैं सेकंड वीडियो ज़रूर लाऊंगा। ये वीडियो ऑलरेडी 10-12 मिनट की हो गई है, तो फिर मुझको अच्छा नहीं लग रहा इसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, इतना वीडियो बहुत है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, जहाँ पे अगर आप बोलोगे कि मैं इसको बचाने की भी लाऊं, कि आप अपना अकाउंट कैसे बचा सकते हो, तो फिर ज़रूर बताना, मैं इसके लिए एक वीडियो ज़रूर लाऊँगा।